सर्दियों की वो रात थी। फूलचंद अपने घर के आंगन में बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके तीन बच्चे कंबल में पड़े थे और ठंड से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर उसकी गर्भवती पत्नी थी जो प्रसव वेदना से तड़प रही थी। उसके साथ पड़ोसी रामचरण की घरवाली और सुखियादाई थी। फूलचंद के मन में आने वाले मेहमान के प्रति कोई भी उल्लास नहीं था। सच तो ये था कि वो इस अनचाहे बोझ को लेकर बहुत ही चिंतित था। परिवार की माली हालत पहले से ही खस्ता थी, कर्ज था कि बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में चौथा बच्चा फूलचंद को किसी नई मुसीबत से कम नजर नहीं आ रहा था। लेकिन समय के आगे तो बड़ों बड़ों की नहीं चली तो फूलचंद की क्या बिसात थी। तभी प्रतीक्षा की वो लंबी घड़ियां खत्म हुई। काफी देर बाद सुखिया दाई बाहर निकली। फूलचंद ने डरते डरते पूछा, सब ठीक तो है ना? दाई ने कहा, हाँ लड़का हुआ है मगर। फूलचंद व्यग्र हो उठा, क्यों क्या हुआ? अब मैं क्या कहूं, तुम खुद ही जाकर देख लो। इसके बाद सुखिया दाई तो चली गई लेकिन फूलचंद की उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसी क्या बात है जो सुखिया दाई ने मुझे नहीं बताई? कहीं बच्चा मरा हुआ तो नहीं है? मगर ये बात होती तो सुखिया मुझे जरूर बताती। कुछ देर बाद रामचरण की घरवाली भी यह कहकर चली गई कि कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। अब फूलचंद को अंदर जाने में कोई रुकावट नहीं थी। वह धड़कते दिल से अंदर घुसा। उसकी पत्नी सुरना अधमरी सी हालत में चारपाई पर पड़ी थी। बगल में एक शिशु भी लेटा हुआ था। सुरना ने आंखें खोलकर देखा मगर फूलचंद की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। हाँ, उसकी आंखों में कोंधती हुई जिज्ञासा को सुरना ने अपने आप ही पहचान लिया। उसने शिशु के मुंह से कपड़ा हटा दिया और आंखें मूंद ली। आंखें तो फूलचंद की भी एक बार खुद ब खुद मूंद गई। सामने दृश्य ही ऐसा था। नवजात शिशु का चेहरा सामान्य शिशुओं के जैसा नहीं था। माथा अत्यंत संकरा और लगभग तिकोना था। आंखें छोटी छोटी और कनपटियों तक फैली हुई थी। कान भी असामान्य रूप से लंबे थे। सबसे विचित्र बात तो ये थी कि शिशु का ऊपरी होंठ था ही नहीं। हाँ, नाक अत्यधिक लंबी होकर ऊपरी तालू से जा लगती थी। फूलचंद जड़ सा खड़ा था और बोला, ये कैसी माया है? हुआ ही था तो अच्छा भला होता, नहीं तो जन्म लेने की ही क्या जरूरत थी? मुझ पर हालात की मार पहले ही क्या कम थी जो ये नई मुसीबत मेरे सिर पर आ पड़ी? क्या होगा इस बच्चे का? अपना यह कुरूप लेकर इस दुनिया में यह कैसे जिएगा? क्या होगा इसका भविष्य? फूलचंद ने डरते डरते पूछा, इसकी आवाज? पता नहीं, सुरना ने कमजोर आवाज में बताया, अभी तक तो रोया भी नहीं है। फूलचंद ने सोचा, क्या यह गूंगा भी होगा? सुरना पहले ही काफी दुखी प्रतीत हो रही थी, इसीलिए फूलचंद ने उससे कोई सवाल नहीं किया। बस अपने आप को कोसता रहा और बाहर सोए हुए तीनों बच्चों को लाकर अंदर लेटा दिया और फिर खुद भी उन्हीं के साथ सिकुड़कर लेटा रहा। मगर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान ना था। रह रह कर नवजात शिशु का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। तरह तरह की आकांक्षाएं मन में उठ रही थी। फूलचंद ने सुना था कि इस तरह के बच्चे कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, मगर वो सोचने लगा, अगर ये बच्चा जी गया तो? इसी तरह की उलझनों में फूलचंद ने बाकी रात आंखों में ही काट दी। सुबह होते होते रामचरण की घरवाली के माध्यम से ये बात सारे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई कि फूलचंद के यहाँ विचित्र बालक का जन्म हुआ है। बस फिर क्या था, तमाशबीन औरतों के झुंड आने शुरू हो गए। उनका तांता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह एक ऐसी मुसीबत थी जिसकी फूलचंद ने कल्पना भी नहीं की थी। मगर चुप्पी साधे रहने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी तमाशबीन औरतों के एक झुंड के साथ भगवान दीन की माँ राधा आई। उसने सारा वातावरण ही बदल कर रख दिया। राधा ने बच्चे को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर जमीन पर माथा झुकाया और साथ आई औरतों को फटकार लगाई। अरे, ऐसी दीदें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? यह तो साक्षात गणेश जी ने सुरना पर कृपा की है।
तभी तो इसकी कोख से ऐसा धन्य बालक पैदा हुआ है। साथ आई औरतें तब तो राधा के क्रियाकलाप को अचरज से देख रही थी, किंतु उसकी बात सुनते सुनते ही जैसे उनके मन की आंखें भी खुल गई। सब ने शिशु को प्रणाम किया, सुरना की कोख को सराहा और हाथ में जो भी सिक्का था वहीं चारपाई के सामने अर्पित करने के बाद जमीन पर माथा टेक दिया। अब राधा बाहर फूलचंद के पास दौड़ी आई। वह थकान और चिंता के कारण बाहर चबूतरे पर ही बैठा था। राधा ने उसे झिझोड़ कर उठाया और कहा, अरे क्यों रोनी सूरत बनाए बैठा है, तुझे तो खुश होना चाहिए भैया। सुरना की कोख पर साक्षात गणेश जी ने कृपा की है, तेरे तो दिन फिर गए। और देख वह तो माया दिखाने आए हैं अपनी, वह रुकेंगे थोड़ी ही। जब तक हैं खुशी खुशी उनकी सेवा कर, हजारों वर्षों में किसी किसी को ही ऐसा अवसर मिलता है। फूलचंद चमकृत हो उठा, यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं काकी। अरे तुम लोग ठहरे उम्र और अकल के कच्चे, राधा ने अपना बड़प्पन झाड़ते हुए कहा, तुम्हें ये सब बातें कहाँ से पता चलेंगी। हाँ लोग तो दर्शन को आएंगे ही, तुम किसी को मना मत करना बेटा, उन पर कोई अकेले तेरा हक ही थोड़े है, वह तो साक्षात परमात्मा है, वह सबके हैं, समझा। फूलचंद ने नादान बालक की तरह हामी भरी और लपक कर अंदर पहुंचा। दरअसल अब वह शिशु को एक नई नजर से देखना चाहता था, मगर चारपाई के पास पड़े पैसों को देखकर वह एक बार फिर चक्कर खा गया। सुरना से पूछा, ये क्या है। वही लोग चढ़ा गए हैं, सुरना ने बताया, काकी कहती थी कि ये गणेश जी हैं। और नहीं तो क्या, फूलचंद में जैसे नई जान पड़ने लगी थी। ना तो तेरी मति में यह बात आई और ना ही मेरी मति में, मगर ये तो साक्षात गणेश जी हैं। हम लोग उनकी माया क्या जाने, अपनी माया वह खुद ही जाने। फूलचंद को एकाएक शिशु की चिंता सताने लगी, यह हिलता डुलता भी नहीं है, देख सांस तो चल रही है ना। सुरना ने कपड़ा हटा कर देखा, सांसें चल रही थी। फूलचंद को अब दूसरी चिंता हुई, भला एक आध बार दूध वूध चटाया या नहीं। सुरना ने तनिक दुखी स्वर में कहा, दूध तो मुंह में दाब भी नहीं पाता। फूलचंद झल्लाया, ओह क्या इसे भूखा मारोगी, देखो मैं रुई का फाहा बनाकर देता हूँ, तुम उसी से दूध इसके मुंह में टपका देना, गला सूखता होगा इसका। शिशु का गला सींचने का यह उपक्रम चल ही रहा था कि कुछ और लोग कथित गणेश जी के दर्शन के लिए आ पहुंचे। इस बार औरतों के अलावा मर्द भी आए थे। दूसरी खास बात यह थी कि कुछ लोगों के हाथ में फूल और फल भी थे। फूलचंद ने लपक कर प्रसन्न मन से सबका स्वागत किया, आइए आइए आप लोग भी दर्शन कीजिए। दोपहर ढलते ढलते कथित गणेश जी के जन्म की खबर आस पड़ोस के मोहल्लों तक फैल गई। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मिठाई फल मेवा फूल आदि जो भी बन पाता लिए चले आ रहे थे लोग। उसके अलावा नकदी का चढ़ावा भी कम ना था। शाम को किसी पड़ोसी ने सलाह दी, कुछ पर्चे छपवा कर बांट दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये खबर पहुंचे और वे भी दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। फूलचंद को ये सलाह जच गई। पता नहीं कब उसकी भी यह दिली इच्छा हो आई थी कि जितने ज्यादा लोगों को दर्शन मिले उतना ही अच्छा। और एक पड़ोसी ने खुद आगे बढ़कर पर्चे छपवा कर अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में बंटवा दिए। रात करीब 10 बजे दर्शनार्थियों का तांता टूटा, तब फूलचंद ने दर्शन बंद करने की घोषणा की। उस रात फूलचंद के परिवार ने बहुत दिनों बाद बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया था। दूसरे दिन भी पर्चे बटे और एक स्थानीय अखबार के प्रतिनिधि आकर बच्चे की तस्वीर खींच कर ले गए। अखबार में बच्चे की तस्वीर और विचित्र बालक के जन्म की खबर छपते ही शहर में जैसे आग सी लग गई। दूर दराज के मोहल्लों से भी लोग दर्शन के लिए आने लगे। फूलचंद के घर के सामने मेला सा लग गया। पता नहीं कहां से फूल आदि लेकर एक माली आकर बैठ गया। उसके अलावा मोहल्ले के हलवाई को मक्खी तक मारने की फुर्सत ना थी। उस भीड़ को सही ढंग से दर्शन कराने के लिए फूलचंद ने अपने कमरे का दूसरा दरवाजा भी खोल दिया, जो अभी तक बंद रखा जाता था।
अब लोग कतार बांधकर एक दरवाजे से अंदर आते थे और दर्शन करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। फूलचंद सुबह सुबह ही नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर बच्चे के दर्शन के लिए आने वाले लोगों की व्यवस्था करने में जुट जाता। अब घर में ना तो पहले जैसा तनाव था और ना ही वो कुड़न थी। सभी लोग जैसे उल्लास की नहरों में तैर रहे थे। फूलचंद थोड़ी थोड़ी देर बाद सुरना के पास आकर उसके कान में शिशु को रुई की फाहें से दूध चटाने की हिदायत देता रहता। इस बहाने वह अपने आप को आश्वस्त भी कर लेता था कि शिशु अभी जीवित है। रात को कई बार वो शिशु को देखता और उसकी सांसें चलती देखकर उसको चैन आ जाता और वो सो जाता। सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। हाँ, एक समस्या यह जरूर पैदा हो गई कि चढ़ावे में आई मिठाई का क्या किया जाए। उसे उपभोग के लिए ज्यादा दिन बचाए रखना संभव ना था, तो फूलचंद ने अपना उदार हृदय दिखाते हुए पूरे मोहल्ले में मिठाई का प्रसाद बंटवा दिया। फिर भी मिठाई थी कि खत्म होने का नाम ही ना लेती थी। लेकिन उस समस्या का हल भी निकाला गया। रात में मिठाई फूलचंद के यहाँ से उठाकर हलवाई के हाथों बेच दी जाती थी। फिर सुबह श्रद्धालुओं के हाथों में वही मिठाई दोबारा से फूलचंद के यहाँ चढ़ा दी जाती। छठे दिन भोर में सुहना ने फूलचंद को जगाया। वह घबराई हुई थी और बोली, देखो इसको क्या हो गया। फूलचंद ने हड़बड़ाकर शिशु को उघाड़ दिया, झुककर गौर से देखा, उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। हताश होकर सुरना की ओर देखा और बोला, खेल खत्म हो गया। सुरना की रुलाई खुद ब खुद फूट पड़ी, मगर फूलचंद ने उसे रोका, नहीं नहीं, रोना धोना बंद करो, इसको ऐसे ही लेटा रहने दो। देखो किसी से भी इस बात का जिक्र ना करना, थोड़ी देर में लोग दर्शन के लिए आने लगेंगे। सुरना ने रोते रोते ही कहा, मगर ये तो क्या हुआ। फूलचंद ने कहा, यह तो वैसे भी ना रोता था और ना ही हिलता डुलता था, लोगों को क्या पता चलेगा। हाँ, शाम को कह देंगे कि भगवान ने अपनी माया समेट ली। और फिर सुरना को समझाने के बहाने फूलचंद अपने आप को समझाने लगा, कोई हमने तो भगवान से ऐसा स्वरूप मांगा नहीं था, यह तो उन्हीं की कृपा थी, शायद हमारी गरीबी दूर करने के लिए ही आए थे। आज के दिन भर लोग दर्शन कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा। सुरना अपना माथा घुटनों में टेक कर सिसियाने लगी। फूलचंद ने समझाया, देखो अब ज्यादा दुखी ना हो, ज्यादा दिन तो ये वैसे भी जीना नहीं था, और जी भी जाता तो क्या होता इसका। उठो, तैयार हो जाओ, रोज की तरह बैठ जाओ, लोग आने ही वाले हैं। सुरना बिना कुछ बोले तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद ही दर्शन करने वालों का तांता लगना शुरू हो गया और भेंट और प्रसाद के रूप में फूलों, मिठाइयों और सिक्कों के ढेर लगने लगे। शाम ढलने के बाद फूलचंद ने सभी मोहल्ले वालों को कह दिया कि प्रभु ने अपनी लीला समेट ली है और वो वापस अपने धाम को चले गए हैं। अगली सुबह को ही फूलचंद के घर के सामने लगा मेला उठ गया। सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए और इस तरह से कुछ ही दिनों का मेहमान वो छोटा सा बच्चा फूलचंद की गरीबी दूर करके इस दुनिया से चला गया। दीनपुर गांव में रहने वाला रामलाल घरों को रंगने का काम करता था। वो रंग रोगन करने के काम में बहुत ही माहिर कारीगर था। पूरे गांव में उसके जैसा कारीगर नहीं था। रामलाल अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करता था, पर इस काम में दिक्कत ये थी कि पूरा साल ये काम चलने वाला नहीं था। गांव के लोग किसी तीज त्योहार में या साल दो साल में एक बार ही रंग रोगन करवाते थे, बाकी दिनों में रामलाल का काम बहुत ही मंदा रहता था। बस यूं समझो कि वो अपनी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ ही कर पाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलाया। मुखिया बहुत ही धनवान आदमी था। जब रामलाल मुखिया के पास पहुंचा तब मुखिया ने कहा, रामलाल, नदी के घाट पर मेरी दो नाव खड़ी हैं, जिसमें से एक नाव पुरानी है और एक बिल्कुल नई है, जिसे मैंने कुछ ही दिनों पहले खरीदा था।
तुम्हारा काम ये है कि तुमने दोनों नाव पर अच्छी तरह से रंग रोगन करना है। रामलाल बोला, हजूर आप चिंता ना करो, आपका काम हो जाएगा। मुखिया ने कहा, काम एकदम बढ़िया करना। तब रामलाल ने जवाब दिया, मालिक आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुखिया फिर से बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारी मजदूरी कितनी होगी। रामलाल ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हजूर बस दोनों नाव के 16 आने दे देना। मुखिया ने कुछ कड़क आवाज में कहा, 16 आने तो बहुत ज्यादा है, मैं बस तुम्हें 10 आने दूंगा, समझे? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम गांव के मुखिया से बात कर रहे हो। रामलाल बेचारा हाथ जोड़े खड़ा था और ना चाहते हुए भी वो 10 आने में काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद मुखिया ने उसे नदी के घाट पर खड़ी हुई अपनी दोनों नाव दिखा दी। रामलाल अपने घर से ही रंग रोगन का सामान साथ लेकर आया था। वो अपने काम में लग गया। बड़ी ही सफाई और मेहनत से रामलाल ने दोनों नाव को रंगने का काम किया। पुराने वाली नाव पर रामलाल को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी, पर अब रंग रोगन करने के बाद दोनों नाव एकदम चमक गई थी और दोनों नाव ही ऐसे लग रही थी मानो दोनों ही नई हों। शाम तक अपना काम पूरा करके रामलाल वापस मुखिया के पास पहुंचा और अपनी मजदूरी मांगी। तो मुखिया ने कहा, अरे भाई मैं कौन सा भागा जा रहा हूं गांव से, दे दूंगा तुम्हारे पैसे, 2-3 दिन में आकर ले जाना। रामलाल ने कहा, हजूर वो घर में बहुत दिक्कत चल रही है पैसों की। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, तुम्हें कहा ना 2-3 दिन बाद आकर ले जाना, चलो अब निकल जाओ यहां से। मुखिया के इस बर्ताव से रामलाल कुछ निराश हो गया। एक तो पहले से ही मजदूरी कम थी, ऊपर से वो भी 3 दिन बाद मिलेगी। रामलाल बड़े ही भारी मन से घर वापस लौट गया। अगले दिन की बात है, मुखिया की पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर नदी के पार घूमने जाने के लिए कहने लगे। मुखिया को खुद किसी काम से दूसरे गांव में जाना था। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है तुम सब जाओ घूमने के लिए, लेकिन ध्यान रखना नए वाली नाव पर ही जाना, ठीक है? इतना कहकर मुखिया जल्दीबाजी में दूसरे गांव के लिए निकल गया और उसकी पत्नी और बच्चे नदी की तरफ चल दिए। जब उसकी पत्नी और बच्चे एक नौकर को साथ लेकर नदी के घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों ही नाव बिल्कुल नए जैसी दिख रही थी, एकदम चमकदार और रंगीन। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से नई नाव कौन सी है। खैर वो दोनों में से एक नाव पर चढ़ गए और नदी पार करने के लिए रवाना हो गए। असल में वो लोग पुरानी नाव पर ही बैठ गए थे, नई नाव तो वहीं घाट पर खड़ी रही। शाम को जब मुखिया वापस अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। मुखिया ने सोचा कि चलो मैं भी नदी के घाट पर चलता हूं। जब मुखिया नदी के घाट पर पहुंचा तो उसने देखा कि नए वाली नाव तो घाट पर ही खड़ी थी। इसका मतलब मुखिया का परिवार पुरानी नाव लेकर चला गया था। ये सोचते ही मुखिया के हाथ पैर फूलने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। असल में बात यह थी कि पुराने वाली नाव में एक छेद था और छेद वाली नाव लेकर नदी में जाने का मतलब था नाव का डूबना तय था। मुखिया बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। तभी उसे सामने से नदी में एक नाव उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उस पर मुखिया का परिवार बैठा हुआ था। ये देखकर मुखिया की जान में जान आ गई। उसका पूरा परिवार सही सलामत वापस आ गया। मुखिया बहुत खुश हो गया कि उसका परिवार बिल्कुल ठीक है, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि कल ही तो रामलाल इस पर रंग रोगन करके गया था। वो तुरंत भागा भागा रामलाल के घर पहुंचा। उसने रामलाल से सीधा सवाल पूछा, रामलाल कल तुमने मेरी दोनों नाव पर रंग किया था, क्या तुमने मेरी पुराने वाली नाव को ठीक से रंगा था? तब रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मैंने बहुत ही अच्छे से आपकी पुरानी नाव का काम किया था,
बल्कि उसमें तो एक बड़ा सा छेद भी था। तो मैंने उस छेद को भी बंद करके वहां पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ठोक दिया था। क्या मेरे काम में कोई गलती हो गई हजूर, तो इस गरीब को माफ कर दीजिएगा मालिक। मुखिया की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, गलती तुझसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है रामलाल। ये कहते हुए उसने रामलाल को गले से लगा लिया। मुखिया ने आगे कहा, भाई रामलाल, आज तुम्हारी वजह से ही मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। मैंने तुम्हें मजदूरी पूरी नहीं दी और जो देनी थी उसके लिए भी तुम्हें 2-3 दिन का इंतजार करवाया, लेकिन फिर भी तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। बल्कि आज तुम्हारी वजह से ही मेरा पूरा परिवार सुरक्षित घर लौट आया है। ये कहते हुए मुखिया ने रामलाल को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी और उसका धन्यवाद करता हुआ अपने घर वापस चला आया। मुखिया को समझ में आ गया था कि उसने रामलाल को पहचानने में गलती कर दी थी, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कपड़े और उसके पहनावों से नहीं बल्कि उसकी नीयत से होती है।